के हमारे सज्जनों के इनके स्वागत के लिए भैया विनय पटेल हैं। विधायक बड़ा मलेरा श्री प्रद्युम्न सिंह जी के स्वागत के लाने हम जयप्रकाश पटेल भाई स्वागत के लाने बुला रहे हैं। जयप्रकाश आवे भैया और भैया जयराम पटेल जी के स्वागत के लाने हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्री नारायण देशाय जी का ये आवे रणी श्री नारायण पटेल जी के विचारिय जी जिनके हमारे पटेल जी की संपत्ति है और हमारे बीच में विराजे हुए भैया हमारे बहुत बुजुर्ग लेकिन बहुत अच्छी रचनाकार हर नारायण छरिया जी और नवल किशोर सोने मायूस श्री अब्दुल चंचल जी अपने बीच में नहीं है लेकिन उनको परिवार से अगर हैं उमा शंकर शुक्ला निर्जर इनके परिवार से अगर कोई है तो आ जाए। ये सब रचनाकार हैं बुंदेली रचनाकार जैसे चंचल जी की रचना तो भैया ने अमर का रूप में गीतंस है। बाकी सब जो भी जितने भी रचनाकार हैं वो ऐसा नहीं है जिनके गीतंस भैया ने गाओ। तो आज जो मौका है और नवल किशोर सोनी मायूस इतने ही बिराजे थे सामूदे हवाई हो गए अपनी और अब भैया नवल किशोर सोनी मायूस जी के बाद अब हम ला रहे हैं मंच पे हरि नारायण दुबे ऐसे इनको नाम वैसे इनको काम वैसे इनने गीत लिखे बहुत बहुत जी प्रद्युम्न सिंह जी के द्वारा सम्मानित करें। हाल तो ऐसे ही है जब स्टैंड लग पाओ तभी काम सही है। इन्हें एक गाना लिखो तो बहुत नई नई दुनिया में सज गई है घूमटा मैंने दो ही रत्ना ने और एक इनको बड़ा मशहूर गाना बहुत हो के चली चोरी मेला का साइकिल पे बैठ जिस ले चलिया जी ने काम तो कर सकता है चला रहे हैं वाह वाह चलिया जी आप कलम चलाओ तो रही ऊपर ना चलिए लाल सैन मनहर अब जो चिकना नहीं मिल रहा
सम्मान भैया उमेश शुक्ला के द्वारा आपको सम्मान हुए। मन हर कार्यक्रम देख रहे बड़ी कैमरा से करा था पूरे जाने कितने गाना ऐसे हैं जो उनके मनहर छलिया के नाम से आप और जान रहे। और एक रचना बहुत मशहूर हुई जो उनके भैया देशराज के द्वारा जब लो मोरी बहन जान की आखन नहीं दिखाने तो लो मोहन जी मेरे जो सुनिए नाम है वो रचना में भी आपको भी सही होगा तो भी मान सीढ़ी में लगे तो शेर है भाई दीपक शेर कहीं है और इन जयराम भैया सम्मान का है। तो जो दीपक सेठ हैं जिनने अपनी कैस्टर के माध्यम से पूरी बुंदेलखंड का बुंदेलखंड के बाहर ऐसी कौन जगह नहीं है जहां इनकी कन्हैया कैसेट ना पहुंची हो और वो के साथ में भैया देशराज की आवाज न पहुंची हो। इतने आवे कुछ दो शब्द आपसे कहो चाहते हैं आज की मौका पे भैया दीपक से। भाई साहब का और हमारा संबंध जो रहा वो तो सभी को पता है। इसके अलावा एक हमें ऐसी आपको बात बताना चाह रहे हैं कि हमारा उनसे आत्मा से आत्मा का संबंध था है। मतलब एक बार उनको लखवा लग गया था और झांसी में वो एडमिट थे। ये बहुत ध्यानपूर्वक बात आप सुनिएगा। उस वक्त पप्पू भी थे और सभी घर के लोग थे तो हम छतरपुर हम थे चंद्रभूषण पाठक की लड़के की शादी में और यहाँ से बप्पू भैया का फोन आता है कि पटेरा जी की तबीयत कैसी है। मुझे तो पता ही नहीं था पटेरा जी की तबीयत तो शादी में थे उन्होंने क्या हो गया। बोले वो दो दिन तो अभी छतरपुर में एडमिट रहे अब झांसी में है वो दो तीन दिन से। तो हमने कहा भैया नंबर दो पप्पू का। उन्होंने हमें नंबर दिया पप्पू का नंबर दिया। हमने पप्पू से बात की पप्पू ने बताया इस अस्पताल में है। हम पौन घंटे के अंदर बिरधा से झांसी पहुंचे। पप्पू से हमने पूछा क्या बात है। पप्पू बोले भाई साहब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि दो शब्द जो है ये बोल जाए और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं ये किसी को ना पहचान पा रहे ना बोल पा रहे। तो पप्पू से हमने कहा हम बोल के देखें जरा जोर से बोले। पप्पू बोले नहीं आप भाई साहब बोलिए। तो हमने पटेरा जी को देखा उनको तो मतलब केवल देखते थे वो और कुछ बोलते नहीं थे ना हाथ कर चलते थे। तो हमने दो तीन बार उनसे कहा भाई साहब कौन देखते तो थे भाई साहब कौन। तो उनके हाथों में इतनी जान आई एकदम उनकी आत्मा बोली दीपक सेठ कन्हैया कैसे पाले। ये पप्पू भैया थे साथ में तो उन्होंने हमको ही पहचाना उन्होंने उनकी आत्मा ने पहचाना यानी हमारा उनका आत्मा से संबंध था। उन्होंने नहीं पहचाना उनके शरीर में उनकी आत्मा बोली बड़ी उठ के जोर से इतनी जोर से बोले कि बाहर तक सुन ले आदमी। और फिर उसी स्थिति में हुआ जो स्थिति में थे। फिर डॉक्टर साहब मेरे से बोले कि आपको पहचाना आप रहिए। पप्पू बोले आप भी रहिए हम लोग रहे वहाँ। उसके बाद उन्होंने एक सुंदरकांड गाया था जो हमने बहुत जबरदस्ती उनसे कह के गवाया था। बहुत अच्छा सुंदरकांड उन्होंने गाया था वो हम सुंदरकांड वहाँ लेके गए टेप रिकॉर्डर ले गए डेली उनको सुनाते थे ये सभी लोग सुनाते थे उनको। उनकी धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि जब सुंदरकांड की चौपाई उनकी आती थी तो वो टेप रिकॉर्डर देखने लगते थे और जैसे ही उन्हें अंदाज हो गया था कि म्यूजिक आ रहा है तो वो गर्दन नीचे कर लेते फिर करते धीरे धीरे उनको ऐसे होश आया। तो मुझे ऐसा लगा कि पटेरा जी ने हमको पहचाना था तो मतलब हमारा उनका आत्मीय संबंध भी था। और बाकी तो आप लोगों को जो पता है कन्हैया कैसेट के माध्यम से हमने उनकी जो गीतों को प्रचार किया है और उन्होंने वो मेरे कन्हैया कैसेट के खम्मा थे जो कि अब शरीर के रूप में तो नहीं रहे लेकिन उन्होंने मेरा नाम इस दुनिया में कहा। तो हम दोनों एक दूसरे के व्यक्ति थे। और हमारे आचार्य भैया हैं ये सन 82-83-84 में मंचों पर बोलते थे और हम लोग इनकी रिकॉर्डिंग करते थे बड़े अच्छे चुटकुले सुनाया करते थे। हाँ बुद्धि बुद्धि जी के और गोशर और पटेरा जी की हर प्रोग्राम में पहले सन 82 से कई शुरुआत की थी तो उसमें हमारे विष्णु अर्जरिया भैया ये जो है वो घोषणा करते थे
और पूरा मंच का संचालन बड़ा ही अच्छा मुंबई में किया करते थे, जो कि हमारे कैस्टो के माध्यम से भी निकला हुआ है, यूट्यूब पर डला है। तो हम लोगों को बड़ी खुशी है कि आप अब आजकल छत्तीसगढ़ में हैं, रायपुर में आ गए। अच्छा, विधायक जी के द्वारा आपका सम्मान उत्कृष्ट उद्घोषक के रूप में और गोविंद विश्वकर्मा अगर अपने बीच में है तो आ जाए। हाँ जी, आ रहा है गोविंद। ये बहुत बढ़िया ढोलक वादक के संगत होंगे बता रहे हम इनके बारे में। ये भी एक गोविंद विश्वकर्मा ये भी आ गए हैं, इनके स्वागत के लिए हम भैया उमेश शुक्ला जी से निवेदन कर। हम बब्बू भैया की बता रहे थे कि एक तोप छापड़ी वाले होते हम लोगों को कार्यक्रम मतलब, तो कार्यक्रम के बाद जब खत्म हो तो वे भैया देशा से बोले, देशा जी है आप इनका ऐसे छोड़ जाओ, बाकी पार्टी ले जाओ। हमने कहा है, बोले हमारे से अक्सर कार्यक्रम होते रहते थे, उन्हें नगाड़न की जरूरत पड़ती है, और आपके जो ढोलक वादक ऐसे हैं कि जो ढोलक जैसे टोपी लगाए नहीं है जी, जो चिपकाए रहा जब फेंकसा है टोपी। और भैया जयराम के द्वारा हम खिलाफ भाजपा भाजपा भैया जी प्रेम कुमार जी पिक्कू के नाम से जाने गए, कार्यक्रम था थोड़ी अलग पहचान वाला, जहाँ एक भैया देशराज के नाने ताली बजती जे भी पीछे की रात से ताली जा रही है, इनकी अपनी अलग कला थी। बहुत जे दो अनुभव आपने देखी, बहुत प्रोग्राम में साथ देने सम्मानित कर जा रहा है। सबसे वरिष्ठ गायिका कलाकार से गिनती है अनिसा बेगम की, और भैया के साथ में पहले जो महिला कलाकार अगर थी तो अनिसा बेगम जी का थी। मम्मी के द्वारा यानी अनिसा जी के द्वारा कुछ तो शब्द भैया के लाने पहुंचाए गए हैं, तो अंदर भैया शायद मामा जी को राखी बंधन करती थी, और कोई साल रक्षाबंधन का ऐसा नहीं होता था जब वो यहाँ घर आती थी और उनको राखी बांधती थी। इस रक्षाबंधन में मैंने सुबह उनको जब फोन किया, मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो वो रोने लगे। मैंने उनसे पूछा क्या बात हो गई, कोई तबीयत खराब है आपकी? फिर मुझे याद आया कि आज रक्षाबंधन है, तो मैंने कहा उनसे, मम्मी के आपको मामा की याद आ गई? तो वो और कसकस के रोने लगे, क्योंकि ये पहला रक्षाबंधन था जिसमें वो मामा को राखी बांधने नहीं आ सकी। मैं भी मामा को बहुत याद करता हूँ, और मैंने एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बनाया था बहुत बड़ा, आज भी है, आज भी चलता है, स्वर संगम ऑर्केस्ट्रा के नाम से मैं चलाता हूँ उनको। एक बार मामा ने मुझसे सिर्फ एक गाने की फरमाइश की थी, मैं उसकी सिर्फ दो लाइन, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन
ठुकराएगी मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। वैसे भी अनीशा बेगम जी का हम सब जितने भी कलाकार हैं उन्हें जिया के अलावा हैं अनाउंसमेंट में जरूर अनीशा बेगम निकल है, लेकिन हमेशा अगर संबोधन है तो जिया। और अपने बीच में एक और हमारे वरिष्ठ गायिका कलाकार जिनने बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा शायद कार्यक्रम भैया देशराज के साथ करे हैं, आदरणीय लक्ष्मी त्रिपाठी जो अपने बीच पर हार गई हैं, उनको स्वागत है, जोरदार तालियों से आप उन्हें करें। और उनके सम्मान के लाने श्री बाबा जी से हम निवेदन करें, कुष्मलिया जी से, शुक्ला जी से भी निवेदन करें, सम्मानित कर रहे हैं हम। आज निश्चित है ऐसे दिग्गज बैठे हैं कि जिनके लिए कोई शब्द में कहूंगा तो वो कम पड़ेगा। तो एक बात के जो आज हर स्टेट में, हर राजधानी में किसी भी विधा के लिए एक भवन होता है, क्या बुंदेली विधा के लिए है क्या? चाहे दिल्ली में देखें, चाहे अपने मध्य प्रदेश भोपाल में देखें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि थोड़ा सा बुंदेली कलाकार है उनके लिए जो हम लोग मेहनत करते हैं उनके लिए जरूर थोड़ी सी जगह जगह बनाते जाएं। और हमें पूजनीय पटेलिया जी के लिए बस हमेशा समर्पित रहे, तो पहली मांग तो हमारी यही है कि उन्हें अगर कुछ मिले तो हम कलाकारों के लिए सबसे पहली संतुष्टि होगी। इसी वाणी के साथ मैं सम्मानीय अतिथियों से भी कहूंगा कि चूंकि हमारे नन्हे भैया भाई जी हैं और मैं क्रमशः सम्मानीय हमारे परिवार के सदस्य ही आज बोलूंगा मैं, तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, मैं सम्मानीय शुक्ला जी से, उमेश शुक्ला जी से, चूंकि हमेशा परिवार की तरह रहे हैं, परिवार तो पूरा है, लेकिन मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय पूर्व विधायक शुक्ला जी को कि वो अपने द्वारा आशीर्वचन में प्रदान करें। आज के कार्यक्रम में हमारे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्मान्य आलोक चतुर्वेदी जी, बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्मान्य प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे खजुराहो के पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सम्मान्य रामकृष्ण कुसमरिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई जयराम चतुर्वेदी जी, मंच पर हमारे सम्मान्य बृजेंद्र सिंह जी, हमारे विष्णु भैया जी एवं देशराज पटेरे जी के चिरंजीव विनय पटेरे जी एवं उनका पूरा परिवार। आज देशराज पटेरिया जैसा कि उनका नाम है,
देशराज पटेरिया, देश पर राज करने वाला लोकगीतों के माध्यम से, देश पर राज करने वाला बुंदेली लोकगीतों के सम्राट आज हम सब लोगों के बीच में नहीं है। एक वर्ष हो गया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब पटेरे जी से मिलते थे तो वो बड़े आत्मीय भाव से सारे लोगों से जिस तरीके से उनका व्यवहार रहता था और दलगत राजनीति से उठकर के बात करते थे, क्षेत्र के विकास के संबंध में हो, अपने लोकगीतों के माध्यम से जनता तक जो आवाज पहुंचाने का काम करते थे। राजनीतिक क्षेत्र में हम सब लोग करते हैं, लेकिन लोकगीतों के माध्यम से इस बुंदेलखंड की समस्याएं, इस बुंदेलखंड का दर्द, इस बुंदेलखंड का कष्ट, लेकिन इसके साथ साथ जो बुंदेलखंड की लोकगीत है, हास व्यंग के माध्यम से सारी बातें जो समाज में घटित होती हैं, उन सारी बातों को समावेश करके वो लोकगीतों के माध्यम से जिस तरीके से प्रस्तुत करते थे, ये बात सही है कि जिस मंच पर वो बैठ जाते थे, हमारे पूर्व वक्ता यहाँ पर बोल रहे थे, लोकगीतों के साथ साथ जब बोलने का उनका क्षमता थी, कोई हिल नहीं सकता था और बड़े आत्मीयता के साथ में उनके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव राजनीतिक रूप से भी आए। मुझे जानकारी है उनके लिए लोकसभा विधानसभा अन्य, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो एक समाज का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो सारा उद्देश्य लेकर के, सारी बातों को लेकर के, बुंदेलखंड की जो समस्याएं उनको लेकर के, बुंदेलखंड के विकास के संबंध में सारी चीज़ों को लेकर के अपने लोकगीतों के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, उससे ना कि बुंदेलखंड में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर उन्होंने लोकगीतों के साथ में राज किया, ऐसे देशराज पटेरिया को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चाहे वे प्रदुम हो चाहे नीरज हो, इनसे बहुत हैरान है। मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद महोदय रामकृष्ण कुसमरिया जी, हमारे साथी, हमारे भाई पूर्व विधायक छतरपुर भाई उमेश शुक्ला जी, जयराम चतुर्वेदी, जितने जने विराजमान हैं उन सबके चरणों में भी प्रणाम करो। पूरे पटेरे परिवार के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और अपने श्रद्धा समान परम पूजनीय देशराज पटेरिया जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। जो बड़ो रिच धनवान मन के थे, तीन जने तो इसे विधायक विराजमान है, महेंद्र सिंह जी और हमारे आदरणीय चतुर्वेदी जी, महामंत्री जी बीजेपी के महेश भैया, उमेश शुक्ला जी हमारे भतीजे गए छोटे भाई को काका, हमारे भैया प्रद्युम्न सिंह जी मंत्री के रूप में यहाँ पे बुंदेलखंड की सेवा करवे के लाने विराजमान है, सम्मानीय आलोक चतुर्वेदी जी, सम्मानीय नीरज जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे आदरणीय और सम्मानीय जो विराजमान है सबके चरणों में प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं। फिर समय नदी की धार
है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अब पटेरिया जी के लिए क्या कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं, वाणी भी ऊंची पड़ जाती है। उनके साथ बहुत हमें रहने का अवसर मिला। जब हम यहाँ चुनाव लड़ने आए, उन्हें एक गीत बनाया और उस गीत में एक दो नारा दिया, बाबा बड़ा दिलेर है, दो शेरों के बीच में आया बब्बर शेर। अब भैया राजा चुनाव लड़ रहे थे और आदरणीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी चुनाव लड़ रहे थे, ये तो शेर हते ही, लेकिन मालक ने हमारे देशराज जी ने हमें बब्बर शेर चुनाव। अब उनकी कला को कैसे वर्णन करो जाए जा अपने भूते की बात में। अटल जी की एक कविता है, उनमें जब ये बीमार हो गए थे लगभग उस समय के बाद जब ठीक हो गए थे, मजाक को तो उनको आपको सबको पता है कि उनकी आदतें सुनो सुनो मोर मारवे जी के तो कोनो गौचर केले फिर से आऊंगे ऐसा नहीं है, हमने ऐसी कोनो घटियाई थोड़ू करी, कले फिर से आऊंगे हैं, फिर से आए हैं, फिर से ही दुनिया का दिखा कर गए। ये उनके शब्द अटल जी ने अपनी कविता लिखी है। जी भर के जिया मन से मरूं और लौट के आना है मौत से क्यों डरूं, ये भाव के साथ उन्होंने ये कहा था कि हम फिर आएंगे और बुंदेलखंड को फिर सजाने का काम करेंगे। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अभी कुछ बातें आई, अब सब भैया हम सब लोगों को मैं पीछे पीछे आप लोगों के लगो रहे हूं। तो मैं ही मंच से कह के जा रहा हूँ, बुंदेली भवन बन के रहे बन के रहे बन के रहे, ऐसा नहीं है कि हमें हमारे पशु रहने को और सब जने जैसे भैया ने कही अब आलोक चतुर्वेदी जी ने बातें कह दू करें, लेकिन सब इकट्ठे होकर बुंदेलखंड के पूरे जाके अपनी पूरी ताकत के साथ बुंदेलखंड की शान बहुत बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाने का काम करें। अंत में भगवान गीता में जो उन्होंने कहा उस श्लोक का पठन करते हुए मैं निवाणी को बराबर करूंगा। यह दिदा जर श्रेष्ठ तब तक देवो तरो जना सा यत प्रमाणम करते लोकस तदन हुआ। जो महान विभूतियां होती हैं उनके व्यक्तित्व उनके कर्तृत्व से हम ऊर्जा लेकर के हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां उस मार्ग पर चल करके और उनके नक्शे कदम पर चल करके और आगे बढ़ने का काम करते रहेंगे और उनके नक्शे कदम पर चलने का काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। परिवार में वो जन्मे, आज प्रथम पुण्यतिथि के समय इस मंच पे विराजे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री उस्मरिया जी, आपके छतरपुर के विधायक, हमारे बब्बा जी अज्जन चाचा जी, हमारे साथी हमारे बड़े भाई प्रथम सिंह जी, छतरपुर के पूर्व विधायक उमेश चाचा जी,
सम्माननीय मंच या उपस्थित सभी जन हमारी राम हम तो अपने आप में सौभाग्यशाली हैं कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की जनता ने हमें चुना है और जहां देशराज पटेरे जी का जन्म हुआ उस गांव उस क्षेत्र की सेवा करने का मौका हमें मिला। और रही पद्मश्री सम्मान की बात तो ये लड़ाई पटेरिया परिवार की नहीं, इस मंच पे बैठे सभी जनप्रतिनिधियों की है और सभी पत्रकार साथियों की है और पूरे बुंदेलखंड की है, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड का नाम भारत में उन्होंने लिया है। और चाचा ने जिस तरह कहा, प्रदुम भाई ने जिस तरह कहा कि विधानसभा में, तो विधानसभा में हम यहाँ तीन हैं, छतरपुर के 6 विधायक मिलके अशासकीय संकल्प लगाएंगे और ऊपर तक बात रखेंगे कि इन्हें पद्मश्री सम्मान मिले, जिससे कि हमारे क्षेत्र का नाम और रोशन हो। पुनः उस परिवार के चरणों में नमन, उनको श्रद्धांजलि समन अर्पित करता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और अब जो हम एक बात कहें कि जैसा कि हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि अपना जो कार्यक्रम बिल्कुल परिवार को कार्यक्रम है और अब फिर अपन लौट रहे हैं वही तरफ, अपनी बुंदेली संध्या की तरफ, बुंदेली लोक की तरफ से सजी आप ही के द्वारा सजाई गई जब महफिल है। अपने बीच में है आदरणीय लक्ष्मी त्रिपाठी जी विराजी हैं और हमारी बहन उर्मिला पांडे जी भी हैं अपने बीच में, वे भी मंच पे आ जाए उनकी आवश्यकता है। भैया नरेंद्र शर्मा अपने सब साथियों के संग आप भी आ जाएं, कैसे उसके बाद आपकी भी प्रस्तुति है। तो सबसे पहले और एक और सूचना है हमारे उन भैया से कि जो नाम लिख रहे हैं वे जहां भी हैं इतने मंच के पास आ जाएं। भैया सुरेंद्र सिंह चौहान और सुशील पटेरिया दादा, आप लोगों के साथ जवाबदारी है कि इतने काफी लेके आ जावे मंच के पास में, बगल में यहाँ भैया की प्रतिमा है, फोटो है, उसे आ जाए। और भैया नरेंद्र शर्मा आप भी इतने मंच पे पधार जाए और जौन वादक कलाकार हैं वे भी मंच पे आए, कैसे अब फिर बुंदेली संध्या की बारी है। देखो प्रेम कुमार सोनी वादक कलाकार एक जने जो चले आ रहे, बहन उर्मिला पांडे जो भी अपने बीच में आए, उनकी हवाई हो गई है, आवे वाली हैं। और एक बात आपको हम बताएं कि जो वरिष्ठ गायिका कलाकार बुंदेलखंड की श्रीमती अनीसा बेगम, जो उनके अस्वस्थ हुए के कारण अपने बीच में नहीं है, ये आज के कार्यक्रम में तो जहाँ भी हैं उनका ईश्वर जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे रहे, सुनी है कि भोपाल में उनको इलाज चल रहा है। और श्रीमती लक्ष्मी त्रिपाठी वो नाम है जो उनके सबसे ज्यादा शायद कार्यक्रम आपने भैया देशराज के साथ करे हैं। जब कार्यक्रम की यात्रा वैसे तो बहुत पुरानी है, कैसे पहले आपका भी याद हो गया, आप सब जने जुड़े कार्यक्रम से हैं कि पहले कीर्तन को माहौल होता,
लोकगीत के कार्यक्रम अलग से नहीं होते, तो उन कीर्तन के बीच से जब लोकगीत की विधा ऊपर निकालवे को भी बहुत बड़ो शेर हुई है पंडित देशराज का। और एक अपने बीच में भाभी है भाई। अच्छा अच्छा भाभी भी भी पसार रही हैं आपकी। आइए बहुत पसंद करते थे और इनकी पुस्तक बुंदेली गीतमाला उसका विमोचन आज इस श्रद्धांजलि मंच के माध्यम से हो रहा है। सम्मानीय हमारे लाडले विधायक भाई नीरज दीक्षित जी, लाडले विधायक प्रदम सिंह जी और आप सभी बड़े भैया महेंद्र तिवारी जी, गोनू चौबे जी, हमारे महोबा के पापा के परम प्रिय प्रधान जी, खोल दो कलाकार छोटे हो या बड़े ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं बार बार सबसे बिना माइक के अभी तक कहता रहा कि कोई भी कलाकार चाहे गायक हो चाहे वादक हो बिना बताए ना जाए, हमें सबको एक प्रशस्ति पत्र देना है। इस ये फोटो जो रखी है पापा की उसके सामने वही प्रशस्ति पत्र रखे हैं, तो कृपया आप लोग बिना बताए ना जाए, बस इतना मैं निवेदन बार बार आपसे कर रहा हूं। जोर से ताली बजाकर अपन स्वागत करें। निश्चित रूप से इस तरह की जो हम पुस्तकें हैं जो कि बुंदेली गीतमाला के नाम से जैसे जा है, इस तरह भैया MP 16 C 2057 28 MP 16 C 2057 28 जिनकी भी जो गाड़ी है आप थोड़ी अपनी गाड़ी किनारे कर लें, आपकी वजह से 10 गाड़ी खड़ी है लाइन में, कम से कम नहीं निकल पा रही है। सम्राट हमारे गुरुदेव जो क्या थे ये मैं थोड़े शब्दों बताऊंगा क्योंकि समय कम व्यवस्था बड़ी है। वो ऐसे थे जैसे चंद्रमा, जब सभी लोग चलते हैं तो ये दिखाई देता है कि चंद्रमा मेरे ऊपर ही है। आज हम सभी कलाकारों के ऊपर उनकी छत्र छाया है और मैं भी चाहता हूं कि वो मेरे बहुत नजदीक थे, शायद यही आप भी सोचते होंगे कि मेरे नजदीक थे, लेकिन मैंने उनके लिए जो श्रद्धा सुमन एक कविता के माध्यम से लिखे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट भिंड ग्राम असमेर का रहने वाला हूं, यद्यपि इटावा भूल से निकल गया क्योंकि जालौन जगमनपुर में रहता हूं और मेरे दिल के करीब थे। आज मैं आपके सबसे करीब हूं और उनकी प्रस्तुति तो नहीं हो सकती लेकिन उनके द्वारा दी हुई शिक्षा की प्रस्तुति है। क्या है पहले गीत सुनिए, कविता सुनिए, सॉरी। आज दिनांक 5 सितंबर 2021 रविवार को प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर अस्ताचल को सूरज जाता कहके डूब गया है, चांद अमावस को ना आया कहते ऊब गया है, विधि का अमित विधान जिसे हम जग जग सभी समझते, श्रेष्ठ मनुज इस भूतल पर आकर सभी दमकते, गुरुवर मेरे देश राज जी डूबे नहीं गए हैं, जर जर चोला छोड़ के जीवन ले नया गए हैं, ब्रह्म तत्व में लीन हुए जो घर घर रहे महकते,
श्रेष्ठ मन इस भूतल पर देखो दमकते बुंदे का मोल नहीं है देश राज का तोल नहीं है श्रद्धा सुमन समर्पित करते मुख में कोई बोल नहीं है कर्जदार हम सभी रहेंगे देखा नहीं कहकते श्रेष्ठ मनुज इस भूतल पर आकर सभी दमकते बुंदेली के गाने वाले गाकर चले गए हैं मुक्त हुए बंधन से हमको लाकर चले गए हैं यानी लोकर में नहीं हम सबको एक मंच पर लाकर चले गए हैं बुंदेली का ज्ञान दिया हम उसमें रहे चहकते श्रेष्ठ मनुज इस भूतल पर देखो सदा दमकते सुनिए गौर से धारा रहेगी ध्यान रहेगा कर्मवीर का कर्म रहेगा पथ पर उनके चले सदा तो हमको उनका मरम रहेगा जगत हुआ नतमस्तक उनको जिनको सभी सुबकते श्रेष्ठ मन देश भूतल पर आकर सभी दमकते मैं इस मही हुई रचना तो जयप्रकाश भाई प्रिय जयप्रकाश भाई और हमारे विनय भाई ये दोनों ही हमारे लिए आप दोनों ही गुरुदेव की धरोहर हैं मैं आपको ये भेंट कर रहा हूं दो लाइन केवल आपके परिवार के लिए लिखी है जब मैं आपको सबको भेज दूंगा लेकिन अभी सुन लीजिए केवल थोड़ा साथ के साथ अरे आपने हाँ अरे आपने बुंदेलखंड बारे देश राज हम सब का प्यारे आपने Bundeli, Pavel.
अति देव प्रिंगेली भावे आज विशाखा हिंदी गावे परिजन को बिना भोजन की नजर है तो जिनने अभी भोजन नहीं करे हैं भोजन पर्याप्त चालू है आप भोजन ग्रहण करें और जावे के पहले अपने जावे की